Good morning, children. Welcome to today's English class. We have learnt vowels in previous class, but some students joined late, which is why I am repeating this topic. And those students who have already studied it, then this would be a revision class for you. Now let's start, children. As you know, there are 26 alphabets in English from A to Z. जैसे बच्चों आपको पता है कि जो है अल्फाबेट्स A to Z में कौन कौन से होते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Only 5 of these are vowels, which are A, E, I, O, U. जो भी मैंने अल्फाबेट बोले हैं टू जेड, उनमें से 5 A, E, I, O, U. ये जो है वोवल्स होते हैं, इनको वोवल्स बोलते हैं. ओके, व्हाइल अदर्स आर कॉन्सोनेंट. आई हैव रिटन सम वर्ड्स कंटेनिंग वोवल साउंड्स. ये सभी जो हैं साउंड वर्ड्स हैं. ए, ये जो है ए साउंड वर्ड्स हैं, ये ई साउंड वर्ड्स हैं, आई साउंड वर्ड्स हैं, ओ साउंड वर्ड्स हैं, यू साउंड वर्ड्स हैं. इन वर्ड्स में वोवल की साउंड है. नंबर 1, मैट, एम ए टी. आप देख रहे होंगे ए जो है वोवल है और इसमें जो है ए का साउंड भी है. इसी तरह से ये सब वर्ड्स हैं जिनमें वोवल का साउंड है. ओके डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड लर्न इट.